सबसे महंगा हॉकर है, अगर मैं ट्रैवलिंग ना करूं तो मेरे ख्याल से मेरे पास मर्सिडीज हो सकती है क्योंकि जितनी मैं ट्रैवलिंग करती हूं ना उसकी वजह से मेरे पास एक बहुत नॉर्मल सी गाड़ी है और सारे पैसे लग रहे होते हैं ट्रैवलिंग के ऊपर क्योंकि ऑब्वियसली इट्स जस्ट सो एक्सपेंसिव. लेकिन ट्रैवलिंग जिस तरीके से आपका दिमाग खोलती है और जो खुशी जो मुझे ट्रैवलिंग से मिलती है ना, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह आई थिंक मैं साल में शायद 4 से 5 बार ट्रैवल करती हूँ. और अब मेरा गोल है कि मैं महीने में एक बार कहीं ना कहीं बिजनेस अगर थोड़ा सा और स्ट्रीमलाइन हो जाए तो. और मैं क्या करती हूँ कि अभी जैसे ईद थी तो ईद पे मैं चली गई थी अभी थाईलैंड. और अभी जो बड़ी ईद आने वाली है तो उसमें मैं चली जाऊंगी टर्की क्योंकि बिजनेस में भी जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि आपको बड़ी सुपरविजन करनी होती है तो सुपरविजन की वजह से जो भी कोई लंबी छुट्टी आती है ना 5-6 दिन की उसमें 2 दिन ऐड करके मैं निकल जाती हूँ. तो हाँ उसका मुझे बहुत ज़्यादा हौका है और बहुत मज़ा आता है. मुझे उधर के खाने भी ट्राई करती हूँ, उधर शॉपिंग भी करती हूँ और कोशिश करती हूँ कि जिस भी मुल्क जाऊँ वहाँ पे मैं कुछ लोकल फ्रेंड्स भी बना लूँ. दूसरा मुझे एक फ़ायदा ये हुआ कि जब मैं पढ़ती थी अमेरिका में तो उधर हमारी यूनिवर्सिटी बड़ी इंटरनेशनल थी तो उसमें भी बहुत मुल्कों से लोग आए हुए थे तो मुझे ये बेनिफिट भी है कि मेरा हर मुल्क में एक ना एक दोस्त है. ये दूसरा बेनिफिट लोकल ट्रैवल का ये, अच्छा मैं लोकल भी बड़ा ट्रैवल करती हूँ तो मुझे हुंजा बड़ा पसंद है, मुझे कश्मीर बड़ा पसंद है और मैं नथिया गली जाती हूँ, मल्टीपल टाइम्स जा चुकी हूँ तो मुझे माउंटेन्स जो हमारे मुल्क के खूबसूरत माउंटेन्स हैं ऐसे दुनिया में, बलूचिस्तान मुझे बहुत अच्छा लगता है, उधर की बीचेस बहुत अच्छी हैं, बिटकोरी है तो हम मैं लोकल भी करती हूँ. साल में 2-3 ट्रिप्स लोकल होती हैं और फिर 2-3 ट्रिप्स जो हैं वो इंटरनेशनल होती हैं. अच्छा अब मैं तुम लोगों को जैसे ये इसका फ़ायदा ज़्यादा है इस हॉकी का ट्रैवलिंग का, मगर अगर तुम पुराने लोगों के ख्यालात से ये समझोगे तो जो मैं देखती हूँ आजकल जो बिल्कुल नई बच्चियाँ हैं जिनकी लाइफ अभी शुरू हुई है वो ट्रैवलिंग पर बहुत खर्चा करती हैं, जो कमाया वो ट्रैवलिंग पे लगा. अब जो पुराने लोग होते तो उनको होता था कि हम अपना घर बना, छत हमारी अपनी हो जाए, हम किराए पे नहीं रहे फिर हम अपनी जिंदगी करें. सो हम जो है हमारी वाली एज ग्रुप के लोग थोड़े मिडिल सोचने वाले लोग हैं कि अच्छा नहीं अपना अपनी अपनी छत होनी चाहिए चाहे वो किसी भी इलाके में हो आपके बजट में रहते हुए. और फिर आप एक सर्टेन एज के बाद जी अच्छा आप ट्रैवल भी करें. सही. मगर जो अभी तुमसे भी छोटी जो और लड़कियां आई हैं वो सब यही करती हैं, उन्होंने पैसे कमाए, चेक आने से पहले जी ट्रैवलिंग क्रेडिट कार्ड पे की, चेक आया और क्रेडिट कार्ड का बिल अदा किया. तो मुझे वो हौका जो है ना मुझे दुख होता है, मैं दिल चाहता हूँ उनको समझाऊं बेटा कि देखो कुछ बैंक में रखो या कुछ अपने बुरे वक्त के लिए रखो, हर टाइम एक जैसा नहीं रहता. ऐसा जब नई नई कमाई होती है ना, जैसे मैंने भी अर्न करना शुरू किया था तो मेरा भी यही होता था, मैं ट्रैवलिंग का पूरा प्लान बनाती थी कि अच्छा मुझे यहाँ जाना है, तो वो ये नहीं होता था कि जमा करना है. हाँ ऑब्वियसली थोड़ा बहुत रखा और जितना है बस ट्रैवलिंग कर. अच्छा देखो किरण, जब मैं छोटी एज की थी तो अगर मेरी ट्रेनिंग ऐसी ना होती तो मैं ये बात नहीं बोल रही थी. मेरी अम्मी ने अकाउंट मेरा खुलवाया जब मैंने नया नया कमाना शुरू किया और उन्होंने मुझे ये इस बात पर वो कराया कि इतने सर्टेन अमाउंट के पैसे ये तुम्हें मुझे जमा कराने में फिक्स करके, जबकि मेरी अम्मी मेरे पैसे नहीं लेती थी मगर मुझे एक जिम्मेदारी थी उस यंग एज में, जिम्मेदारी डाली और फिर वो पूरी जमा करके मुझे सोने का सेट बना के दे दिया. फिर अकाउंट खुलवाया तो कह रही है कि ये जमा करो, तो जब लाइक मैं इतनी यंग एज की थी तो और मेरी शादी हुई और मुझे सारा काम छोड़ना पड़ा क्योंकि शादी बच्चे ये वो, तो मेरे पास मेरे अकाउंट में एक सर्टेन अमाउंट था जो मुझे मेरी बैक को स्ट्रॉन्ग रखता था जबकि मैं कुछ नहीं करती थी. कितनी स्मार्ट बात है. सो ये ट्रेनिंग मेरी अम्मी ने मुझे दी. ये बिल्कुल मेरी भी इसी तरह की. अच्छा मेरी अम्मी ने मुझे कभी देनी नहीं पड़ी मेरी अम्मी को, क्योंकि बस मेरी अम्मी ने वो एक एग्जांपल थी मेरे लिए, उन्होंने भी बिल्कुल ऐसे ही किया था. मेरी अम्मी ने मेरे पैदा होने से पहले, उन्होंने वो टीचर थी और टीचर के साथ शाम को दबा के ट्यूशन पढ़ाती थी, दो दो शिफ्टें, उसके सारे के सारे पैसे उन्होंने, मैं 5 साल बाद पैदा हुई थी तो उन 5 साल पे उन्होंने अपनी वो सारी सेविंग करके रखी हुई थी और उसको फिर उन्होंने कर दिया था इन्वेस्ट, वो 5 साल की पूरी कमाई. राइट. और जब मैं पैदा हुई में भी वही है, बिजनेस माइंड है, दिमाग से आता है. सीरियसली लड़कियों में हर चीज ये बीज जो है ना वो पौधा ये दरख्त बनता है माँ से. तो
अब मेरी अम्मी जब मैं पैदा हुई, उसके बाद मेरी बहन पैदा हुई, और उसके बाद फिर वो घरदारी में लगी रही, और उसके बाद फिर अब्बा की तबीयत खराब हो गई, तो फिर वो अब्बा की तबीयत में लगी रही. ठीक है, अभी वो जाके फ्री हुई हैं, अब्बा की डेथ हो गई है, उसके बाद फिर उन्होंने अम्मी बहन का मेरा ख्याल किया, लेकिन उनके पास आज तक वो सिक्योरिटी है, क्योंकि वो पैसे उन्होंने इन्वेस्ट करके रखे हुए थे. वो अपनी औलाद पर डिपेंडेंट नहीं थी, वो अपने हस्बैंड पर डिपेंडेंट नहीं थी. बहुत जरूरी है. तो ये निदा बहुत अच्छी बात कर रही है कि हॉके अपनी तरफ, सबसे बड़ा हौका आपका होना चाहिए कि आपके पास ना एक फाइनेंशियल सेफ्टी होनी चाहिए. ठीक है, तो अभी आप कमा रहे हैं, देखें अभी आप यंग हैं, आप कमा रहे हैं, आप उसके बाद देखें बच्चे हो जाते हैं, फैमिली हो जाती है, लाइफ सेम नहीं रहती है. अच्छा, बहुत सारी बच्चियां मुझसे मुत्तफिक नहीं होंगी, वो कहेंगी आगे की जिंदगी किसने देखी है. तो बेटा इसीलिए तो मैं आना रवि की बात करेंगे, थोड़ी कह रही हूँ कि बिल्कुल सब सेंध के बैंक में रख दो या कुछ बिल्कुल एंजॉय नहीं करो लाइफ. माओं से तो खैर यही सीखता है, मयाना रवि यही घूमो फिरो भी एंजॉय भी करो लाइफ. कभी अब मैं अगर वेकेशंस पे जाती हूँ तो मेरे पास कमेंट्स आते हैं, अरे बस करो, बुढ़ी हो गई हो, क्या कर रही हो, लड़की बनी हुई हो. भाई हमने बहुत मेहनत की है, एक सर्टेन एज में हमने अपना, मैंने अपने अम्मा अब्बा से कुछ नहीं लिया, यासिर और मैंने मिल के घर बनाया है, इतना हार्ड वर्क किया है जिंदगी में. सो हमने अपने माँ बाप से कोई जायदादें नहीं ली हैं जो हम ये कहें. सो आई एम प्राउड ऑफ इट. और अब अगर मेरे पास मौका है तो क्यों ना करूं, तो मैं तो अब जवाब देती हूं. बिल्कुल 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 सही बात. इसी वजह से जो हमारे माँ बाप है ना, उनको ज्यादा ट्रैवलिंग का नहीं होता, तो उनको होता था कि नहीं बस अभी जमा कर लो, बच्चे हमारे अच्छा मेरे अम्मा बाप को था. लेकिन शौक बहुत मारा है हमारे माँ बाप ने ना कई. मेरे अम्मा बाप क्या करते थे, सस्ते में घूमना, कैसे उनके पास जितने पैसे है ना, मतलब मैंने शायद स्क्रीन पे पहले भी बताया होगा, हम लोग क्या करते थे अगर यूरोप टूर पे गए हैं कम पैसे लेकर, तीनों बच्चे साथ हैं, सही है, और हम होटल में नहीं रह रहे, हम रात की ट्रेन करा रहे हैं. यूरोप में तो ट्रेन में ट्रैवल करते हैं, तो होटल का किराया बचाते थे कैसे, रात में हम होटल में रहने के बजाय ट्रेन में ट्रैवल करते थे, एक जगह से दूसरी जगह जाते थे, दिन में पूरा घूमते थे. सो वो तो किफायत शौहरी के साथ ही ट्रैवल हो सकता है. एग्जैक्टली, हर चीज हो सकती है.